यस, मैं न्यू जर्सी आ चुकी हूँ एंड बहुत प्यारा था न्यूयॉर्क एंड यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था. और ये गाड़ी मुझे ड्रॉप करने आई थी एंड यस गए वो. और यहाँ के लोग सच में बहुत अच्छे हैं और मैं आऊँगी वापस यहाँ पे ज़रूर एक बार घूमने के लिए. जैसे इसलिए तो मैंने वीज़ा लिया था, बट जैसे आई एम हैप्पी यू नो कि यहाँ पे आई और सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया. तो यस, मेरी फ़्लाइट है 11:15 की एंड अभी मुझे जाके चेक इन जो भी करूँगी कॉफ़ी एंड यस. और मेरे घर पे आने वाले हैं आज गणपति, सो आई एम एक्साइटेड. पर मुझे 16 घंटा ट्रैवल करना है, ये थोड़ा बहुत दिक्कत वाली बात है, बट इट्स ओके, इट्स लाइफ. या कहीं के ये जो न्यू जर्सी वाला बिजनेस लाउंज है ना, बहुत लाइक बोरिंग है, बोरिंग. हाँ, बट फिर भी सही है कि थोड़ा बैठने के लिए मिला है, बट फुल खाली है. एंड मुझे क्या सिर्फ खाने के लिए मिला है. एंड इवन इंडिया में मैंने उस दिन इतनी चीज़ें खाई, ओ माय गॉड. और जिसकी यहाँ पे ड्यूटी फ्री भी नहीं था, तो अभी मुझे कच्चा अंडा थोड़ा थोड़ा पसंद नहीं है, बट मैंने थोड़ा खा के देखा, ये बॉइल्ड है, उसमें शायद कुछ मिक्स किया है, आई डोंट नो, बट मुझे ये पसंद नहीं. यस, मेरे फ्लाइट में होप सो अच्छा खाना हो. आते वक्त तो इतना मज़ा आया ना, जैसे लगा 5-स्टार होटल में खा रही हूँ. डायरेक्ट रूपा के घर पे. और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे घर पे आ रहे गणपति, सो ये चल रहा है डेकोरेशन. इस टाइम हम लोगों ने रोज वाला सोचा था, तो ये ऐसा लग रहा है और ये ज़्यादा अच्छा है. जैसे मेरा फेवरेट है ये वाला. बस मैं तो यही देखने आई थी, अभी तो मैं जाके सो जाऊँगी बिकॉज आई एम सो टायर्ड. ये यहाँ पे हमेशा रूपा के घर पे गणपति के टाइम हल्दी कुंकू भी रहता है, सो उनको देने के लिए ये गिफ्ट सारे वो भर रहे हैं. और अभी घर पे बहुत ज्यादा मेस हुआ है, तो सारा साफ सफाई होगी बाद में. मुझे पता नहीं मैंने ये व्लॉग में एक्चुअली क्या रिकॉर्ड करा है, बट इतना है कि जैसे कि आप सबको पता है कि मैं कल ही न्यूयॉर्क से आई हूँ और मैंने टोटली जो पूरा काउंट करा तो मैंने 50 आवर्स का लाइक ट्रैवल किया है. एंड सच बोल रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ. अभी मुझे जेट लैग हुआ है, मेरा लंदन का ख़त्म हो जाता है, वो जो मेरे यहाँ के रूटीन से मैं ये हो गई, फिर मैं न्यूयॉर्क गई और वहाँ का तो एक दिन पीछे है. सो आप सोच सकते हो कि मेरी क्या हालत है. इस टाइम मुझे रेडी होने के लिए भी इतना ये नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम तो मतलब लास्ट ईयर में नहीं थी, उसके पहले ईयर में मतलब थी यहाँ पे. सो यस, मैंने अभी जो आउटफिट पहना है, सो ये रिनीवा से है एंड मेरी सिस्टर ने ही बनाया है, बट ये थोड़ा लूज है यहाँ से, सी बहुत ज़्यादा. एंड अभी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं इसको स्टिच करूँ, बट यस मैं ऐसे कुछ तो यहाँ पे पीना पिया ऐसे कुछ करके उधर जाके कुछ तो करूँगी. और कैसे लग रही हूँ मैं, अभी तक इयरिंग नहीं पहने, मैं सोच रही हूँ कुछ लाइट ही पहनूँ. एंड यस गाइस, दिस इज माय फाइनल लुक और मैंने यही इयरिंग पहने. आई डोंट नो मैं कैसी मतलब लग रही हूँ, बट यस मैं आपको बाहर में एक बार दिखाऊंगी. और मेरा रूम बहुत ज़्यादा लाइक मेसी है, बट या ओवरऑल माय आउटफिट इज दिस. ये अच्छा लग रहा है एक्चुअली. अभी मैं कुछ पहनूंगी और सिंपल एंड सोबर. ओके, मैं जा रही हूँ, अभी मुझे लेट हो रहा है, सो मिलते हैं. Oh,
गणपति का बर्थडे होता है, सो इसलिए आज गणपति का हैप्पी बर्थडे है, तो हम उनके लिए केक कट करेंगे और मोदक जैसा ही बनाया है। सो यस, हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे। जितना गणपति का बर्थडे मस्त मनाया, मेरा भी मनाओ। सो यस, मैंने व्लॉग एंड नहीं करा था क्योंकि रात को घर पे आई, हम 3 बजे आए और फिर सुबह मैं 5 बजे सोई नहा भी के, और मैं अभी उठी हूँ लाइक 4 बजे और मैं अभी व्लॉग एंड कर रही हूँ क्योंकि व्लॉग अभी लाइव करना है। और जैसे कि बोला ना, मैं वहां से आती हूँ ना, मेरा पूरा शेड्यूल चेंज हो जाता है एंड लाइक ऐसे कि पूरा सोने का टाइम, सारा फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज मेरे पहले काम भी लिए है, सारे ब्रांड शूट्स वो भी मुझे अभी है पेंडिंग, वो करने हैं तो मैं वो भी करूंगी। एंड आई डोंट नो मैंने ये व्लॉग में क्या रिकॉर्ड करा है, बट यस मैंने ट्राई करा है वो चीज़ों को कैप्चर करना। बट जिन लोगों को नहीं पता, ये माई गणपति जैसे हर साल हमारे घर पे आते हैं, लाइक मेरे सिस्टर के घर पे, और जैसे 1.5 दिन के होते हैं, लाइक ये ऐसा होता है कि गणपति के पापा का बर्थडे होता है। तो यस, मैंने तो कुछ नहीं मांगा, बट इतना मांगा कि आप सब लोग का प्यार मेरे पे हमेशा ऐसा रहे, ऐसे ही सारा कुछ अच्छा रहे, फैमिली सारी सबकी अच्छी रहे, बस इतना ही। और जो भी दिया उसके लिए आई एम ब्लेस्ड। यस, थैंक यू सो मच, एंड ऐसे ही मुझे प्यार करते रहना, हंसते रहना, लव यू। और मैं अभी नेक्स्ट व्लॉग शायद जल्दी ही 2 दिन में करूंगी, तो यस स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, लव यू ऑल।